हे गाइस, मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है एंड मैं आपके लिए आज लेगो पोर्श 911 क्रिएटर मॉडल का रिव्यू लाया हूँ। मैं आपको पहले आज पोर्श 911 का टर्बो मॉडल का रिव्यू बताऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको उसका टारगा मॉडल का रिव्यू बताऊंगा। जैसे आपने अनबॉक्सिंग के वीडियो में देखा होगा कि लेगो का ये मॉडल जो 10295 से जाना जाता है, उसके अंदर टू कार्स बनते हैं। एक बनता है टर्बो मॉडल एंड एक बनता है टारगा मॉडल। मैं अभी आपके लिए पहले टर्बो मॉडल का रिव्यू लाया हूँ। ये गाड़ी पहली बार 1973 में इंट्रोड्यूस की गई थी एंड इसके बाद में इसका प्रोडक्शन 1974 में शुरू किया गया था। ये गाड़ी का फ्रंटल लुक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे गाड़ी का नंबर प्लेट है जो यूरोप बेस्ड है। यहाँ पे इसकी जो हेडलाइट्स है टू एंड यहाँ पे ये इसका बोनेट है। ये जो बोनेट है वो ऐसा उठता है एंड इधर से आप इसके सामने की जो स्पेस है वो देख सकते हैं। पोर्श 911 टर्बो मॉडल में सामने के तरफ लगेज रखने का जगह है एंड पीछे के तरफ से इनका टर्बो चार्ज इंजन का हाउसिंग रखा है। जैसे कि अभी आप ऊपर वाले रियल लाइफ वाली फ़ोटो में देख सकते हो, इस गाड़ी के इसमें सामने के इसमें नॉर्मल व्हील आर्चेस है एंड पीछे के इसमें यहाँ पे बड़े वाले व्हील आर्चेस हैं। वैसे ही ये मॉडल में डुप्लीकेट किया गया है। यहाँ पे आपकी इसकी रूफ लाइन देखोगे तो इसकी रूफ लाइन भी ऐसी जाती है। ये गाड़ी की अगर आप खासियत देखोगे तो इसका ये जो डोर है वो ऐसे ओपन होता है एंड इधर का भी डोर ओपन होता है। ये गाड़ी का पीछे का है, इसके अंदर आपको गाड़ी के पीछे के इसमें यहाँ पे रियर स्पॉइलर दिखेंगे। यहाँ पे अंदर की तरफ आपको इंजन दिखेगा, ये इंजन यहाँ पे है एंड इसके अंदर के इसमें इसका टर्बो चार्ज का पूरा फंक्शनल दिया है। फिर यहाँ से पोर्श का ये प्रिंटेड में लिखा है, यहाँ पे से इसके दो रियर इंडिकेटर्स है एंड यहाँ पे इसका ऊपर से पीछे के तरफ का यूरोपियन नंबर प्लेट है। ये पोर्श का टर्बो मॉडल है तो इसके यहाँ पे पीछे से ऐसा इसका टर्बो का बैजिंग दिया गया है। ये ऑरेंज लाइट्स डिपिक्ट कर रहे हैं कार के इंडिकेटर्स पीछे के तरफ के। ये जो गाड़ी के जो टायर्स है वो रबर वाले मटेरियल से बने हैं एंड ऐसे ये गाड़ी आगे और पीछे घूम भी सकती है। जब मैं ये कार का टारगा मॉडल लेने को बैठा तब मेरे को ध्यान में आया कि इसके अंदर बैग्स यूज़ होने वाले 8 एंड 10 एंड मेरे टर्बो के अंदर बैग्स हुए 8 एंड 9, जिसका उन्होंने बाइफर्केशन मुझे कुछ भी नहीं दिया था। सो, मैंने फिर डिसाइड किया था कि मैं डायरेक्टली इसके जो 305 नंबर का जो स्टेप है मैं उस पे जाऊंगा एंड वापस से मेरा काम स्क्रैच से शुरू करूंगा। मैं अभी आपको पोर्श 911 का टारगा मॉडल का रिव्यू देने जा रहा हूँ। ये गाड़ी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी पोर्श ने इन द ईयर ऑफ 1965। US में सेफ्टी रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट थे रिलेटेड टू द ओपन कार्स, इसीलिए पोर्श ने फर्स्ट एवर सेफ्टी कैब्रियोले डिज़ाइन किया गया था, जिसके अंदर यहाँ पे ये फिक्स्ड रोल ओवर बार डाला गया था। टर्बो मॉडल में जैसे हमने देखा था कि इन गाड़ियों के डोर्स ओपन होते हैं, वैसे ही एक टारगा मॉडल के भी डोर्स ऐसे ओपन होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको एकदम फाइन डिटेलिंग दिखेगी डैशबोर्ड की, जो हमने टर्बो मॉडल में भी देखी थी, बट यहाँ पे इसका ओपन टॉप रहने की वजह से इसका ये फाइन डिटेलिंग बहुत ध्यान से अच्छी से दिखी जाती है। आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे गियर दिखेगा, उनका गियर का लीवर इन ग्रे कलर एंड ये हैंड ब्रेक है। सेम टू सेम वैसे ही जैसे वो गाड़ी में भी जैसे सीट आगे होती है, वैसे ये गाड़ी में भी इसकी सीट्स ऐसी आगे होती है। और आप यहाँ पे ऐसे अच्छी से आपको ज़्यादा अच्छी से इस गाड़ी का बेस एंड पीछे का डिटेलिंग सुंदर तरीके से दिखेगा। अभी हम बैक में आते हैं तो आपको एक मेजर चीज़ नोटिसेबल दिखेगी कि यहाँ पे इसके इसमें रियर स्पॉइलर नहीं है। और वैसे ही आप अगर अंदर से देखोगे तो इंजन के अंदर इसका इंजन बहुत क्लीन है इन कंपैरिजन टू द टर्बो मॉडल। यहाँ पीछे की तरफ आप देखोगे तो ये कार के अंदर टारगा का बैजिंग किया हुआ है। एक और डिफरेंस आप ये देखिए कि जैसे टर्बो मॉडल के अंदर यहाँ पे बड़े बड़े व्हील आर्चेस थे, वैसे ये इसमें आर्चेस नहीं है एंड आपको इससे क्लियरली जो व्हील्स है उसके अंदर की थ्रेडिंग दिखेगी। वैसे ही सेम इसके जो स्पोक्स है, ये जो स्पोक्स है हमारे टर्बो मॉडल से बहुत अलग थे। इसके आप बेस भी देखोगे तो बेस इसका बहुत अच्छी से रिफाइंड दिखाई देता है, बिकॉज इसके अंदर ये व्हील आर्चेस नहीं है उसके वजह से।
पोर्श के लेगो मॉडल्स के अंदर एक खासियत होती है कि इनका ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये इनके सामने के फ्रंट व्हील से कनेक्टेड रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऐसा इसका स्टीयरिंग हिला रहा हूँ तो इसका जो फ्रंट व्हील है वो भी इसका मूव हो रहा है। इसके बोनेट में एक मेजर चेंज है। अगर अब यह इसका बोनेट उठाता हूँ तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली द रूफ जो इसकी निकलती है पोर्श मॉडल की, और ये ऐसे निकल के यहाँ पे ये गाड़ी में ऐसे यहाँ पे लग जाती है। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने ये रूफ़ लगा दी है एंड ये रूफ़ लगा के ऐसे अपन देख भी सकते हैं एंड ये ऐसी दिखती है ये रूफ़, और इसको ओपन करके हम लोग इसके अंदर का पार्ट इजीली देख सकते हैं। अभी आजकल के इसमें आप देखोगे तो कन्वर्टेबल गाड़ियाँ मैकेनिकली ये जो उसका रूफ़ का पार्ट है वो अंदर ले लेती है, लेकिन पहले 1965 में ये सब चीज़ें कन्वर्टेबल का जो मैकेनिकल का था वो नहीं था। इसके वजह से लोगों को अपनी ये इंडिविजुअली रूफ ऐसे निकाल के इनके यहाँ पे बोनेट में रखनी पड़ती थी। अभी आप ये देख सकते हो मैंने ऊपर के तरफ पोर्श का टर्बो मॉडल रखा है एंड नीचे के तरफ उनका टारगा मॉडल रखा है। ये गाड़ियों को कूपे के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो मैंने इसका ओपन टॉप वाला मॉडल रखा है टारगा का एंड राइट हैंड साइड में मैंने उसका रूफ टॉप वाला मॉडल रखा है। ये इमेज में आपको क्लियरली दिखेगा कि गाड़ी के अंदर कैसे डिफरेंसेस है। जैसे ऊपर की तरफ आपको रियर स्पॉइलर दिखेगा, नीचे की तरफ रियर स्पॉइलर नहीं है। ऊपर की तरफ व्हील आर्चेस है, नीचे की तरफ पीछे के व्हील आर्चेस नहीं है। उनके स्पोक्स में देखिए व्हील के कितना डिफरेंस है। ऊपर का जो टर्बो मॉडल है उसके अंदर ब्लैक स्पोक्स थे एंड नीचे वाले के इसमें इन्होंने सिल्वर स्पोक्स दिए हैं। अभी आप देखोगे तो टर्बो मॉडल के अंदर जो रूफ़ है उसके पीछे का जो पार्ट है वो ग्लास एंड मेटल का है। इन कंपैरिजन में जो टर्बो मॉडल है उसका पीछे का पार्ट पूरा ग्लास से बना है। अगर आपको ईच एंड एवरी बैग के बाद में मॉडल कैसे बनता है वो स्टेप्स देखने होंगे तो मैंने ऊपर वाले लिंक में उसका वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ पर जाके वो चेक कर सकते हैं। सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है पोर्श 911 मॉडल 10295 का रिव्यू। थैंक यू।